इस वक्त खबर पटना से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर जो सीसीटीवी लगाया गया था उसे हटा लिया गया है। सीसीटीवी को लेकर तेजस्वी ने यह आरोप लगाया था कि यह उनकी जासूसी करने के लिए लगाया गया है। हालांकि सरकार की दलील थी कि यह सुरक्षा का मामला है, लेकिन आज ये कैमरा हटा लिया गया। कैमरे को लेकर जबरदस्त सुर्खियां बनी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे ये बयान दिया था कि पड़ोसियों की जासूसी करा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसलिए HD सीसीटीवी कैमरे यहां पर इंस्टॉल किए गए हैं। लेकिन आज ये कैमरा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर लगा था उसे हटा लिया गया है। बढ़ते आगे और अब देखिए, दिल्ली में आतंक का अलर्ट। राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें दो संदिग्ध आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि इन दोनों संदिग्ध आतंकवादियों के निशाने पर दिल्ली है और इसीलिए दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है। इस पोस्टर को गौर से देखिए, कई कई बार देखिए, और दिल्ली वाले तो खासकर इस पोस्टर में दिख रहे इन चेहरों को जहन में इस तरह बसा लें कि अगर ये चेहरे दिल्ली की गलियों में, चौराहों में, होटलों में, बाजारों में, स्टेशनों पर, बस स्टॉप पर, एयरपोर्ट पर, कहीं भी, मतलब कहीं भी अगर ये चेहरे दिखें, तो तुरंत पोस्टर में नीचे लिखे नंबरों पर सूचित करें, क्योंकि यही दोनों संदिग्ध आतंकी दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे हैं और अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए ये दोनों दिल्ली में घुस चुके हैं। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस से ये दोनों तस्वीरें साझा की, जिसके बाद इन तस्वीरों को दिल्ली की दीवारों पर चस्पा कर दिया गया है। पोस्टर को फिर से देखिए, यहाँ दोनों संदिग्ध आतंकवादी खड़े दिख रहे हैं और उनके पीछे एक मील का पत्थर दिख रहा है जिसमें दिल्ली की दूरी 360 किलोमीटर और फिरोजपुर की दूरी 9 किलोमीटर दिख रही है। कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसियों ने ये अलर्ट जारी किया था कि करीब 6 से 7 आतंकी पाकिस्तान में पंजाब के फिरोजपुर से राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और ये आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आतंकी जाकिर मूसा की लोकेशन भी तब पंजाब में पाई गई थी। आतंकियों के बारे में इतनी सूचनाएं कई राज्यों की पुलिस की नींदें उड़ाने वाली थी। तुरंत ही पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया। अब खुफिया एजेंसी से इन संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। पुलिस को शक है कि ये आतंकी पहाड़गंज जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में कहीं छुपे हो सकते हैं, जहां बड़ी संख्या में होटल भी हैं। यही वजह है कि पुलिस ने दिल्ली के सभी होटल वालों को हिदायत दी है कि बिना पहचान पत्र और वेरिफिकेशन के किसी को भी कमरा न दिया जाए। साफ है कि खुफिया एजेंसी के विशेष इनपुट और हाल ही में अमृतसर में हुए ब्लास्ट ने दिल्ली पुलिस की भी नींद उड़ा के रख दी है। इन संदिग्ध आतंकियों की तलाश दिल्ली पुलिस तो कर ही रही है, मगर दिल्ली वालों को भी आंख और कान खुले रखने होंगे। अनुज मिश्रा और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।